प्यारे बुजुर्गों माताओं भाई और बहनों हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी समय प्रभु को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिंदगी में हम सब के उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसा समय ज़रूर आता है कि जब इंसान सोचता है कि प्रभु की नज़दीकी उसे कैसे मिले कोई प्रभु को एक जगह ढूंढने की, को की कोशिश करता है कोई दूसरी जगह ढूंढने की कोशिश करता है कोई सोचता है कि शायद नेचर में पहाड़ों में दरिया में समुद्र में शायद वृक्षों में पत्तों में शायद सनसेट्स और सनराइज़स में प्रभु की हमें जानकारी मिलेगी कई इंसान सोचते हैं कि शरीर को अगर ज़्यादा तकलीफ़ देंगे तभी हम प्रभु को पा सकते हैं वो अपना घर बार छोड़ देते हैं कहीं पहाड़ों में जाकर गुफा में कहीं जाकर प्रभु को पाने की कोशिश करते हैं कुछ और इंसान हैं जो सोचते हैं शायद कुछ पढ़ने से हम प्रभु का ज्ञान पा सकेंगे तो वो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ने की कोशिश करते हैं अपने अपने धर्मों के लिहाज से हम जहाँ जहाँ प्रभु की जानकारी पा सकते हैं वहाँ वहाँ हम पहुँच जाते हैं तरह तरह के तरीके इंसान अपनाता है पिता परमेश्वर की खोज के लिए क्योंकि उसे ये मालूम हो जाता है कि अगर पिता परमेश्वर मिलेंगे उनकी नज़दीकी मिलेगी तो सब चीज़ें ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी और ज़्यादातर जब इंसान तकलीफ़ में होता है तकलीफ़ से घिरा हुआ होता है तभी वो प्रभु को पाने की कोशिश करता है उसे लगता है कि उसने बहुत कुछ किया है तकलीफ़ों से दूर होने के लिए लेकिन हो नहीं पा रहा उसे समझ में आता है कि कुछ ताकत है जो उसके दुख दर्दों को दूर कर सकती है और उसी ताकत को वो ढूंढना शुरू कर देता है प्रभु कहाँ हैं इसकी जानकारी पाने के लिए इंसान सृष्टि के शुरुआत से लगा हुआ है जब हम हिस्ट्री की ओर ध्यान देते हैं जब हम संतों महापुरुषों की जो यात्रा हुई प्रभु को पाने की उसको समझने की कोशिश करते हैं तो बार 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 हमारे सामने यही आता है कि जो भी पिता परमेश्वर को जान पाया उसने प्रभु को शांत अवस्था में पाया इसीलिए आज हम देखते हैं कि जो प्रभु को पाने का रास्ता है जो ध्यान टिकाने का रास्ता है जिसे मेडिटेशन कहा गया है उस पर बहुत से लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं जो मेडिटेशन है ये पिछले 20-25 सालों में बहुत पॉपुलर हो रहा है और बहुत से भाई बहन जो ध्यान टिकाना है जो मेडिटेशन है इससे जो शारीरिक फ़ायदे होते हैं उसी लिए ही वो अभ्यास करते हैं और आज आप देखें कि लोग मेडिटेट क्यों कर रहे हैं तो आप देखें ज़्यादा लोग को अपने आप को ज़्यादा फोकस करना चाहता है किसी को मालूम हो गया है कि जो मेडिटेट करेंगे तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावरता एकाग्रता की पावरता बढ़ेगी लोग इसलिए करते हैं कई रिसर्चेज हुई हैं जो समझा रही हैं कि जब इंसान को कोई तकलीफ़ आती है शारीरिक रूप में तो वो भाई बहन जो ध्यान टिकाते हैं उनका शरीर जल्दी से ठीक हो जाता है तो जो और शरीर के रोग हैं जैसे ब्लड प्रेशर हुआ और जो स्ट्रेस रिलेटेड इलनेसेस हैं डिजीज़ हैं उनमें भी ध्यान टिकाने से हम उस तकलीफ में से गुज़र जाते हैं तो बहुत से लोग अपने शरीर की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए अपने आप को और कॉन्सनट्रेटेड करने के लिए ताकि वो काम में और एफिशेंट हो सकें इसीलिए अभ्यास करते हैं लेकिन जो सही तरीका है अभ्यास करने का जो सही रूप है अभ्यास करने का वो शरीर के फायदे के लिए नहीं हमारे दिमाग या मन के फायदे के लिए नहीं किया जाता वो हमारी आत्मा के फायदे के लिए किया जाता है संदर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ प्रभु कहाँ है, प्रभु को हम ढूंढें कैसे प्रभु को पाएं कैसे इसके बारे में समझाया है वो एक जगह समझाते हैं कि हम प्रभु को जान क्यों नहीं पा रहे क्योंकि अगर हमें समझ में आ जाए कि क्या रास्ता हमने इख्तियार करना है तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। संदर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है बहुत कुछ कहा है इंसान को अपने बारे जानने के लिए और प्रभु को पाने के लिए बहुत सी गजलें उन्होंने लिखी, बहुत सी पोइम्स लिखी जिसमें हर एक शेयर में उन्होंने खोल खोल के समझाया है कि इंसान को जीना कैसे चाहिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो ये है कि हमारी समझ सही होनी चाहिए अगर हमारी समझ सही होगी कि हम यहाँ क्या करने आए हैं इस धरती पर जब इंसान पैदा होता है तो क्यों होता है उसका लक्ष्य क्या है अगर वो समझ में आएगा तो फिर हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे तो संदर्शन दर्शन सिंह जी महाराज यहाँ इस शेर के जरिए हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं संदर्शन दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि निया है तक मिले खुद शानाशी में जलवाए खुदा शानासी हा है तक मिले खुद शानासी में जलवाए खुदा शानासी जो अपनी हस्ती से बेखबर है वो आपसे आशना कहाँ है तो संदर्शन सिंह जी महाराज हमें पहली लाइन में ये समझा रहे हैं कि अगर प्रभु के जलाल को देखना है प्रभु जो ज्योति के महासागर हैं जो प्रेम के महासागर हैं अगर उनको जानना उनको पहचानना उनको देखना है उनको अनुभव करना है तो वो हम जब अभ्यास करते हैं जब आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं जब भजन सिमरन करते हैं जब ध्यान टिकाते हैं जब प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ते हैं तो वो जो हमें अनुभव होता है जो एक्सपीरियंस होता है उसके अंदर ही प्रभु का जलवा छुपा हुआ है प्रभु कहीं आसमान में नहीं समंदर की गहराई में नहीं पिता परमेश्वर हम सबके भीतर हैं जब तक हम सिर्फ मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहे तब तक असलियत क्या है उसकी हमें जानकारी नहीं मिलेगी इस समय हमारे को अनुभव क्या हो रहे हैं इन आँखों से जो दिखता उसे से है उसे हम असली समझ बैठते हैं इन कानों से जो सुनते हैं उसे असली समझ बैठते हैं जो बाकी तीन इंद्रियाँ हैं चखने की सूंघने की स्पर्श की उसे जो अनुभव करते हैं उसे असली समझ बैठते हैं इन इंद्रियों से हमने ऊपर उठना है इस जहाँ के आगे जहाँ और भी हैं कि ये जो फिजिकल यूनिवर्स है ये जो जड़ता का बना है इसके आगे और भी बहुत कुछ है उसका हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले करना क्या है कि हमें ये तो जानना है कि हम हैं कौन अगर सिर्फ यही समझते रहे कि हम शरीर हैं हम शरीर हैं तो हम शरीर के अनुभव करते रहेंगे और शरीरों के अनुभव में पिता परमेश्वर हमें मिल नहीं सकते अगर यही सोचा हम दिमाग हैं हम दिमाग हैं हम दिमाग हैं तो जो दिमाग से अनुभव करते हैं वही सोते रहेंगे उनमें भी हम पिता परमेश्वर को जान नहीं सकते पहचान नहीं सकते तुमने तो करना क्या है हमें अनुभव करना है कि हम एक आत्मा है वो आत्मा जो प्रभु का अंश है वो आत्मा जो शरीर के भीतर है वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है वो आत्मा जिसका हम सब अनुभव कर सकते हैं जैसे शरीर को इधर हाथ लगाओ इधर हाथ लगाओ शीशे में शक्ल देखो तो इंसान अपने आप को अनुभव करता है तो वो जो आत्मा है जो चेतन है जो निरोल है उसका हम अनुभव कर सकते हैं कैसे जब हम सही तरीके से भजन अभ्यास करेंगे जब हम इस शरीर को शांत करेंगे इस समय शरीर के ज़रिए ध्यान बाहर की चीज़ों में जा रहा है उसको अंदर की ओर लाना है जो हलचल हो रही है हमारे संग उसको रोकना है बाहर की दुनिया में तो हलचल ही हलचल है क्योंकि यहाँ कोई चीज़ था ही नहीं हर एक चीज़ चर क्षणों के लिए और ख़त्म हो जाती है जब ध्यान उन चीजों में हो जो कि सदा सदा के लिए नहीं रहेंगी तो कहीं ना कहीं तो खत्म हो जाएंगे हमें उसके साथ जुड़ना है जो आज सच जुगाज सच है भी सच नानक उसी भी सच जो सृष्टि के शुरू में था आज भी है सृष्टि के आखिर तक रहेगा तो कौन है पिता परमेश्वर जिन्होंने सारी सृष्टि रची तो हमने उस हस्ती के साथ जुड़ना है उस पावर के साथ जुड़ना है उस फोर्स के साथ जुड़ना है वो है कहाँ वो हम सबके भीतर है तो जब हम अभ्यास करते हैं वो अभ्यास जो हमें प्रभु के जो दो जाति रूप है ज्योति और श्रुति लाइट एंड साउंड उसके साथ जोड़ देता है तो फिर हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ने लगते हैं तो संदर्शन दर्शन सिंह जी महाराज मारे निया है तक मिले खुद शानासी में जलवा है खुदा शानासी के जो ये रूहानी अनुभव हमें हो रहा है आध्यात्मिक अनुभव हो रहा है उसके अंदर ही छुपा हुआ है प्रभु का जलवा प्रभु को जानने का पहचाने का अनुभव रूहानी अनुभव में जुड़ा हुआ है और रूहानी अनुभव कब होगा जब पहले हमें यह तो समझ में आए कि हम शरीर नहीं हैं अगर यही सोचते रहे हम शरीर हम शरीर है, हम शरीर हैं है, तो हम शरीर के अनुभव करते रहेंगे लेकिन जब ये समझ आ जाए कि जो हमारा असली रूप है वो शारीरिक नहीं वो मानसिक नहीं वो आध्यात्मिक है तो एक आत्मा है रूह है एक सोल है तो फिर उसका हम अनुभव करेंगे और उसी को अनुभव करना ही सही किस्म की मेडिटेशन है वो अभ्यास जो सिर्फ शरीर को शांत करे शरीर को तंदुरुस्ती लाए कंसंट्रेशन को बढ़ाए वो हमें अपने आत्मा की गहराइयों तक पहुंचाता नहीं तो हमें वो तरीका अपनाना है जिससे कि हम अपने आप को सही रूप में जान पाए अपने आप का सही रूप से अनुभव कर पाए और दूसरी लाइन में फरमा रहे हैं कि जो अपनी हस्ती से बेखबर है वो आपसे आशना कहाँ है जिसे यही मालूम नहीं कि वो आत्मा है उसे कैसे समझ में आएगा कि परमात्मा कौन है ये सोचता है मैं शरीर हूँ वो तो ये सोचता हर एक चीज़ सिर्फ शरीर के जरिए होगी पिता परमेश्वर को तो किसी चीज़ के अंदर हम क़ैद नहीं कर सकते उनका कोई फॉर्म नहीं है कि जिसके अंदर वो बंद हो और असीम है कोई कोई लिमिटेशन नहीं है उनकी जब तक हमें ये समझ में ना आ जाए कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है तब तक परमात्मा की जानकारी हम पा नहीं सकते तो इसीलिए बार 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 कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन कि पहले हम अनुभव करें कि हम हैं कौन संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बड़ी फरमाया करते थे मैन नो सेल्फ हे इंसान तू अपने आप को जान सबसे पहला कदम है कि समझ तो तुम्हारी सही हो समझो तो सही तुम कौन हो अगर समझ में आ गया कि हम तो एक आत्मा हैं तो फिर हमारे विचार हमारे बोल हमारे कार्य सब सही हो जाएंगे तो सही समझ होना बहुत ज़रूरी ये खबर होना कि हम कौन है वो जरूरत अभी संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, जो अपनी हस्ती से बेखबर है वो आपसे आशना का है जिसे यही समझ में नहीं आया कि वो है कौन तो वो हे पिता परमेश्वर आपको कैसे जानेगा अगर हमें समझ में आ जाए हम आत्मा हैं और समझ में आ जाए कि हम परमात्मा का अंश हैं उनका हिस्सा हैं तो हम प्रभु को जाना चाहेंगे ना पहचानना चाहेंगे उनको तो पर जब भी धरती पर आते हैं बार 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 हमें यही समझाते हैं कि हम जाने कि हम कहाँ से आए हैं कहां हमने जाना है ये धरती जिसमें हम जी रहे हैं थोड़ी देर के लिए आए हैं हम हम सचखंड के पास हैं हम तो प्रभु का हिस्सा हैं प्रभु का अंश हैं प्रभु तो ने थोड़ी देर के लिए हमें भेज दिया सैर करने के लिए और हमने क्या किया जहां सैर करने गए वहां भी सेटल हो गए अपने निधाम को भूल गए भूल गए कि हमारे पिता परमेश्वर कौन थे उनकी ओर ध्यान नहीं रहता जहाँ रहते हैं उसी चक्कर में चौरासी लाख जिया में घूमना शुरू कर देते हैं तो महापुर जब भी धरती पर आते हैं वो बार 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 हम समझाते हैं कि हम जागृत हों हम अंधेरी रात में सो रहे हैं हमें उठाते हैं ताकि हम जागें हम जाने कि हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं और मानव चोला हमें बड़ी बरकतों से मिला है इस चोले में पिता परमेश्वर ने वो सब पदार्थ दे दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि इस सुनहरे मौके का हम पूरा पूरा फायदा उठाए अगर नहीं उठा पाए तो फिर से चौरासी लाख जिया जो उनमें चक्कर काटना शुरू कर देंगे ये सुनहरा मौका है इसमें प्रभु ने हर एक इंसान को वो सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए अपने आप को आत्मिक रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए उनमें लीन होने के लिए वो तब होगा जब हमें ये समझ में आ जाएगी कि हम यह करने का हैं क्योंकि एक बार इस समझ में आ गया क्या करने के लिए आए फिर हमारे ऊपर है कि हम कदम उस पथ पर लेते हैं कि नहीं लेते अगर समझ में आ गया महात्मा और ये भी समझ में आ गया परमात्मा है उनके हमेशा उनसे जुड़ना है तो फिर हम पर निर्भर होता है कि हम जुड़ने की कोशिश करें प्रभु तो चाहते हैं हम उनसे जुड़ें उनका प्रेम असीम है तभी उन्होंने हमें अपनी ओर खींचा है तो हमें ये समझना है कि प्रभु ने हमें ये एक सुनहरा मौका दिया है हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं उन्हें पहचान सकते हैं उनसे एकमेक हो सकते हैं और जब हम भजन सिमरन करते हैं शरीर को शांत करते हैं मन को शांत करते हैं तो जो अनुभव हमें आत्मिक अनुभव होते हैं उनके जरिए हम पिता परमेश्वर की जानकारी पाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम आध्यात्मिक अनुभव करने के लिए बैठ जाएं आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठेगा अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा ये जो आपके आंखों के ढेले हैं आईबॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए जैसे आठ दस इंच आपके सामने फोकस हों आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा जो भाई बहन है आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा जब मन ही मन करना ऊँचा नहीं दोहराना आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने में मिलेंगे शुरू शुरू में हो सकता है कि ऐसे लगे रोशनी आगे जा रही है रोशनी के चक्र हैं रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है सुनहरे तो रंग की सफेद रंग की लाल पीला नीला हरा जामनी या कोई और रंग जो कुछ आपको दिख सक उसके बीच में देखेगा समय के साथ ये रोशनियाँ टिकेंगी हो क्या रहा है कि प्रभु की ज्योत आप सबके भीतर है पिता परमेश्वर आपके अंदर हैं उनके जो जाति रूप हैं ज्योति और शुति उसका हम अनुभव करते हैं जब हम अभ्यास करते हैं तो प्रभु की ज्योत आपके भीतर है जब आपका ध्यान टिकता है आपको ज्योति के दर्शन होते हैं जब आपका ध्यान टूट जाता है आपको अंधेरा लगता है समय के साथ आप देखेंगे आपको लगे रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे जो आपको सुकून देंगे शांति देंगे आपको प्रेम की अवस्था में पहुँचाएंगे मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज परमसंत गोपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हो महापुरुष हमें दें हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं छोड़ दीजिए जी प्लीज़ लीव ऑफ